हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे अपने चैनल पे बिल्कुल स्ट्रीट साइड टोस्ट सैंडविच, जो वेजिटेबल सैंडविच हम खाते हैं। बहुत ही हेल्दी होता है क्योंकि उसमें सब्जियां होती हैं, और बिल्कुल उनके जैसा स्वाद किस तरीके से आएगा मैं आपको आज अपने वीडियो में बताने वाली हूँ। उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और अब टोस्ट सैंडविच बनाने के लिए हम चलेंगे हमारे किचन में। तो फ्रेंड्स, सैंडविच बनाने के लिए यहाँ पे हमने ब्रेड ले लिया है। आप किसी भी ब्रांड का ब्रेड ले सकते हैं। उसी के साथ हमने यहाँ पे अनियन यानी कि प्याज को स्लाइस कर लिया है इस तरीके से। सैंडविच में कौन सी चीज़ें और कौन से वेजिटेबल्स डालने हैं कम्प्लीटली आपके चॉइस के ऊपर है। मैंने यहाँ पे प्याज लिया है, खीरा लिया है, क्यूकम्बर जिसे कहते हैं उसे इस तरीके से स्लाइस कर लिया है। साथ में ये बॉइल्ड पोटैटो है। इसे बॉईल करने के लिए आपको 3 सीटी लगवानी है कुकर में, और ये बहुत अच्छे तरीके से बॉईल हो जाएंगे। फिर आप छील कर रख लीजिए। उसी के साथ हम चाट मसाला भी यूज़ करेंगे। किसी भी ब्रांड का चाट मसाला आप यूज़ कर सकते हैं। चाट मसाले का बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है सैंडविचेस में। ये सारे इंग्रेडिएंट्स अगर आप नोट करते हैं तो आपका सैंडविच डेफिनेटली बहुत अच्छा बनेगा, जैसे आप स्ट्रीट साइड खाते हैं। साथ में हमने ये बटर ले लिया है, अमूल बटर है, आप कोई भी बटर यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से ब्रेड के ऊपर अच्छी तरीके से बटर को स्प्रेड कीजिए। जितना ज़्यादा बटर आप यूज़ करेंगे उतने ज़्यादा मज़ेदार आपके सैंडविच बनेंगे। जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं सैंडविच के वो तो बटर और साथ में जो हरी चटनी है ये वाली, वही होती है। अगर आपकी चटनी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बढ़िया बनी है, तीखी चटपटी बनी है, तो आपके सैंडविच डेफिनेटली अच्छे ही बनेंगे। ये चटनी मैंने कैसे बनाई है अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं इसकी भी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से सारे जो हमारे ब्रेड के जो स्लाइसेस हैं उन पर बटर स्प्रेड कर लेते हैं और चटनी भी स्प्रेड कर लेते हैं। हम यहाँ पे टोस्टर यूज़ कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक टोस्टर है, आप चाहें तो तवे पे भी बना सकते हैं। और साथ में ये एवरेस्ट का चाट मसाला लिया था मैंने। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो आपके ब्रेड के स्लाइस है उसके दोनों तरफ आपको बटर और चटनी लगाने के बाद सारी जो सब्जियां हैं, जो भी वेजिटेबल्स आप यूज़ कर रहे हैं, उसे स्लाइस बाय स्लाइस इस तरीके से आप स्प्रेड कर लीजिए। ऊपर चाट मसाला भी स्प्रिंकल कीजिए। आप चाहें तो इसमें चीज़ भी ग्रेट कर सकते हैं जैसे कि मैंने किया है। और इन सारी चीज़ों को डालने के बाद आपको टोस्टर में इस स्लाइस को डाल देना है। अगर आपके पास टोस्टर नहीं है तो जैसे कि मैंने बताया कि आप तवे के ऊपर भी बना सकते हैं। आप चाहें तो जो दूसरा टोस्टर आता है हैंडल वाला, जिसे फ्लेम के ऊपर बनाते हैं, वैसे भी बना सकते हैं। बस याद रखिए कि दोनों तरफ अच्छे से आप बटर लगाइए और उसके बाद ही इसे टोस्ट कीजिए। बहुत बढ़िया टोस्ट होगा और बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार ये बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा सैंडविच बिल्कुल टोस्ट होकर रेडी है। गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी लग रहा है, बहुत मज़ेदार, बटरी है, चीज़ी है, टेस्टी है, स्पाइसी है, सारे फ्लेवर्स हैं इसके अंदर। अब थोड़ा सा इसे डेकोरेट करेंगे ताकि देखने वाले को ये और भी अच्छा लगे टेस्ट के साथ। तो यहाँ पे हरी चटनी यूज़ की है मैंने, उसकी 2 आँखें और सॉस से एक स्माइल बनाऊंगी। ऐसे अपने बच्चों को इम्प्रेस कीजिए, उसे हेल्दी वेजिटेबल्स खिलाने का बहुत अच्छा तरीका है। और सबसे अच्छी बात की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।